अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे घर में कैसे ईद की तैयारियाँ अभी हो रही है। आज चांद रात है, आप लोगों को चांद रात की भी बहुत सारी मुबारकबाद। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर अभी वक्त हो रहा है 10:30, और हम लोगों का अभी दही बड़ा बनने का टाइम है, और भी बहुत सारा कुछ किचन में बन रहा है। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर अभी क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। ओके, सो लेट्स गो। चलिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। हाँ, तो देखिए गाइस, अभी कि मामी सेवई बनने जा रही है, उसके बाद दही बड़ा। दही बड़े के लिए हमें चाहिए पीसा हुआ उड़द दाल, और उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे आप देखिए। हम इसमें मंगरेला ऐड कर दिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। हमने दाल के साथ पीसा है हरी मिर्च और ब्लैक पेपर। देखिए गाइस, अभी सेवई और तेल गैस पे चढ़ी हुई है, जिस पे देखिए गाइस तेल गरम हो चुकी है। ये दाल का बैटर है। अब इस तेल में बड़े तलाएंगे। अब इसे अच्छी तरह फेंट देंगे। देखिए, अब देखिए गाइस, अब हमें सेवई को भूनना है ब्राउन होने तक। अब हम इसे चेक कर लेंगे पानी में डाल के कि ये तलने लायक हो गई है। देखिए गाइस, आज चांद रात है, मेहंदी लगाई जा रही है। हाँ हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारे पकोड़े। आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे बड़े तल के तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये हमारी सेवइयाँ भी तल गई है। अब दही बड़े को पानी में डाल दें। देखिए आप गाइस, हाँ हेलो गाइस, अब हम बड़े को पानी से निकाल लेंगे। हेलो गाइस, अब हम किमामी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। देखिए, मैंने गरम पानी रख दिया है, ये गरम भी हो गई है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। अब देखिए चीनी, अब इसमें चाशनी के लिए हम चीनी ऐड करेंगे पानी में। आप देख सकते हैं सेवई भुंज के तैयार है, ये हमारी चाशनी भी।
हेलो गाइस, देखिए ये हमारी दही बड़ा तैयार है। कैसी है आप बताइएगा। ये देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट कट किया था, अब ये चाशनी में डाल दिया गया। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। अब हम इसमें मखाना पीस कर डालेंगे। अब देखिए, अब देख सकते हैं ये पीसा हुआ मखाना। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसे चला देंगे। अब देखिए हम मावा ऐड करेंगे। अब हम इसे उबलने देंगे। हेलो गाइस, देखिए ये हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे किमामी सेवई। हाँ हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अब कल मिलते हैं हम इंशाल्लाह। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक, और दुआओं में हमें याद रखिए।